हेलो दोस्तों, मैं मुकेश तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस पे। और मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चक्रवात साइक्लोन लेकर आया हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी एक चक्रवात अम्फान वो भारत में दस्तक दिया है, ठीक है, तो काफ़ी चर्चा में है। तो आज हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चर्चा में होने के कारण ये आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उनमें जरूर इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और आपका चक्रवात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो और आपका चक्रवात को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। तो आइए समझते हैं चक्रवात। तो चक्रवात जो है ये ज़्यादातर समुद्री या सागरीय क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब ये होती कैसे है कि जैसे सागर में, ठीक है, एक जैसे एक दाब क्षेत्र हो गया, ठीक है, विभिन्न जगह पे विशेष प्रकार का एक दाब क्षेत्र होता है और उसके चारों तरफ एक और विशेष प्रकार का दाब क्षेत्र होता है, ठीक है। तो जो ये सेंटर में केंद्र में होता है इसे हम निम्न दाब केंद्र या लो प्रेशर कहते हैं, और जो ये इसके चारों तरफ और होता है बाहर की तरफ इसे हम उच्च दाब क्षेत्र या हाई प्रेशर कहते हैं, ठीक है। देखिए अब होता क्या है कि ये जो लो प्रेशर केंद्र है, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि देखिए जब जो वायु है वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करती है, जो वायु को हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति है करती है। तो ये हमारा जो उच्च दाब क्षेत्र है हाई प्रेशर और केंद्र में जो लो प्रेशर है, तो वायु यहां से इसकी तरफ अंदर की तरफ क्या करेगी, गति लेगी। तो जो गति करेगी इसके तरफ बढ़ेगी तो वो इसके चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाने लगती है, ठीक है। इसके केंद्र में न पहुंच पाने के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। अब देखिए ये जो उच्च दाब क्षेत्र होता है ये 1000 तकरीबन एमबी के लगभग होता है, और जो लो प्रेशर होता है ये 950 एमबी होता है। मतलब ये अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता है और बाहर से अंदर की तरफ इसका जो दाब है वो घटता है, ठीक है। तो जब ये वायु इसके तरफ निम्न दाब की तरफ आएगी तो ये चक्रीय नुमा आकृति में क्या करती है, घड़ी के सुइयों के विपरीत इसमें क्या करने लगती है, गति करने लगती है। ये घड़ी के सुइयों के विपरीत गति इसलिए करती है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उससे कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, और बता दूं मैं आपको कि इसी कोरियालिस बल के कारण जब चक्रवात बनता है तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये इसकी गति जो होती है वो घड़ी के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी के दिशा के समान होती है, मतलब क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो चक्रवात की जो ये गति करने की दिशा है ये हमेशा घड़ी के विपरीत होती है। ये जो हवाएं गति करती है घड़ियों के दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज करती है, मतलब ऐसे ये अपना ऐसे चलती रहती है, ठीक है, और ये कोरियालिस बल के कारण होता है, ठीक है। तो अब हम यहां देखेंगे कि जब ये निम्न दाब क्षेत्र में उच्च दाब क्षेत्र की वायु चलने लगती है, मैंने बताया हमेशा हाई प्रेशर से वायु जो है वो लो प्रेशर की तरफ गति करती है, तो अंदर की तरफ गति करती है। इसके दाब क्षेत्र में जो ये इसका बीच का क्षेत्र है, दाब केंद्र बिंदु, दाब निम्न दाब क्षेत्र है या लो प्रेशर जो है इसमें न पहुंच पाने के कारण ये इसके चारों तरफ चक्रीय नुमा आकृति में क्या करती है, गति करती है। गति करने के कारण यही चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण इनके क्या होता है, हमारे वर्षा होती है, जिसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इनके चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण वर्षा होती है जिसे हम चक्रवाती
वर्षा कहते हैं, और यही चक्रवाती वर्षा काफी तेज तूफानी होती है। जब इनकी वर्षा आती है तो काफी इनकी हवा की स्पीड तकरीबन 150 से 300 तक मानी जाती है स्पीड होती, 150 से 300 किलोमीटर स्पीड में भी इनकी उत्पत्ति होती है। जो हाई प्रेशर के चक्रवात होते हैं वो उनकी हवा की गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ये इसी तरह तेजी से क्या होते हैं तटों की तरफ, मतलब सागर से तटों की तरफ, ठीक है, तटों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर बढ़ते बढ़ते जब ये तट से टकराते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, धीरे तट से टकराने के कारण इनका जो ये निम्न दाब क्षेत्र है ये खत्म हो जाता है, और ये धीरे धीरे चक्रवात समाप्त हो जाता है। कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ये धीरे धीरे चक्रवात क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है चक्रवाती वर्ष। ठीक है, अब यहां पे दो तीन चीजें हम समझेंगे कि सबसे ज्यादा पहली बात सबसे जरूरी कि चक्रवात आने के लिए तापमान का जो तापमान है उसका 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। जो चक्रवात आने के लिए इंपॉर्टेंट दशा है स्थिति यही होगी कि तापमान जो है 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी जो है वो है कोरियालिस बल, कोरियालिस बल, ठीक है, कोरियालिस बल जब काम करेगा तभी ये वायु राशियां चक्री नुमा आकृति बनाएंगी, इसके चक्कर लगाएंगी। ठीक है, तो कोरियालिस बल का भी होना इसके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो हो गया चक्रवात के आने के कारण। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन के अगर पूछता है तो ऐसे होगा कि चक्रवात का जो चक्रवात आता है उसकी घूमने की वायु की घूमने की गति या चक्रवात की गति उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसकी जो कोरियालिस बल के कारण उसकी गति जो होती है वो एंटी क्लॉक वाइज होती है, घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। ऐसे ही क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है, और ये चक्रवात आने से पहले, ठीक है, आता है तो काफी बिजली में गरज तूफानी सा मौसम हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जब तटों से टकराता है तो जैसा कि अभी उड़ीसा में हमारे आया था चक्रवात, तो हुआ क्या था कि काफी स्पीड होने के कारण, हवाओं की गति बहुत तेज होने के कारण घर मकान पेड़ पौधे सब चीज क्या हो गए, तहस नहस हो गए थे। ठीक है, तो ये चक्रवात क्या होते हैं, जो हाई प्रेशर के होते हैं काफी हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम एक चीज समझेंगे कि चक्रवात जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, चक्रवात जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक होता है शीत कटिबंधीय। शीतकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होता है शीतकटिबंधीय चक्रवात। देखिए अब इनके जो फर्क होता है, ठीक है, ये होता है कि जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये हमेशा विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा पे ये चक्रवात नहीं आता, पहले ये जान लीजिए, क्योंकि विषुवत रेखा पे जो है वो कोरियालिस बल क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल काम नहीं करता, जिसके वजह से चक्रवात इस पे नहीं आता। मैंने बताया था कि चक्रवात आने के लिए कोरियालिस बल का होना जरूरी है, लेकिन कोरियालिस बल न होने के कारण विषुवत रेखा नहीं होता। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है। ठीक है, और आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा उष्ण क्षेत्र होता है, इसीलिए हम इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। तो जो चक्रवात आने का, चक्रवात हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही आता है, और जो 35 से लेकर के 65 डिग्री क्षेत्र में आता है उसे हम कहते हैं शीतकटिबंधीय चक्रवात, और ये उत्तरी गोलार्ध में भी वही होता है और
दक्षिणी गोलार्ध में भी वही होता है 35 से लेकर 65 के बीच में। क्यों? क्योंकि 35 से लेकर 65 के बीच में हमारी जो होती है वो शीत कटिबंधीय पेटी होती है, ठीक है, वो हमारे शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं जहां पे शीत कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए चक्रवात दो प्रकार का होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीत कटिबंधीय चक्रवात कितने डिग्री के अंदर आता है, ठीक है, तो आप आसानी से बताएंगे 35 से 65 डिग्री के बीच में शीत कटिबंधीय चक्रवात होता है, या चक्रवात दो टाइप का होता है, शीत कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, बस यही इसमें फर्क है, ठीक है। और विषुवत रेखा पे नहीं आता, पूछ सकता है कि विषुवत रेखा पे क्यों नहीं आता, तो क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां पे कोरिओलिस बल शून्य होता है, ठीक है। आइए अब एक चीज इसमें हम अभी और देखेंगे कि जो चक्रवात है वो नाम, उसके नाम होते हैं, ठीक है, उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो हिंद महासागर के देश हैं जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, आपका ओमान, थाईलैंड, श्रीलंका, ठीक है, तो इन दो ये देश मिल करके जो हिंद महासागर के आसपास के देश हैं ये मिल करके यहाँ पे आने वाले चक्रवातों के नाम रखते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग से नाम सोचते हैं और वही नाम डिसाइड करके रखा जाता है जो लोगों को समझने में आसानी हो, किसी धर्म जाति से वो उसका कोई जुड़ाव ना हो, उससे कलेश ना हो, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे विभिन्न टाइप के धर्म के लोग निवास करते हैं, तो इसके वजह से तो होता क्या है, तो इसी वजह से इसका नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हरिकेन, एक चक्रवात हरिकेन होता है, आपने नाम सुना होगा, ये कैरेबियन सागर में आता है, ये कैरेबियन सागर में इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे वेस्ट कैरेबियन सागर में से वेस्ट इंडीज में, ठीक है, इसे वेस्ट इंडीज में हरिकेन नाम से जानते हैं। एक होता है आपका टार्नेडो, टार्नेडो ये यूएसए, ठीक है, और मिसिसिपी में आता है, ज्यादातर ये यूएसए में आता है, ठीक है, इसे हम टार्नेडो कहते हैं, यूएसए में इस चक्रवात को टार्नेडो कहते हैं। कैरेबियन सागर जो आता है उसे हम हरिकेन कहते हैं, और आपका हो गया टाइफून, टाइफून ये चीन सागर में आता है, टाइफून जो है ये चीन सागर में आता है, ठीक है, तो चीन सागर में जिसे चीन में इसे हम टाइफून कहते हैं, ठीक है, ये इनके नाम है। और विली 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 ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात का नाम है, इसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चक्रवात नाम है, भारत में चक्रवात ही कहते हैं, ठीक है, भारत में चक्रवात ही कहते हैं, लेकिन भारत में भी इनका कई तरह का नाम है। जैसे भारत में हमने सुना है एक चक्रवात आया था हुदहुद, ठीक है, हुदहुद आया था 2014 में, और आपका फोनी, फोनी, ठीक है, हुदहुद, फोनी, ओखी, यरवदा, ठीक है, फोनी, ओखी, हुदहुद, यरवदा, और ये, और अभी हाल ही में जो रिसेंटली आया है अम्फान, ठीक है, अम्फान, अभी हाल में जो एक चक्रवात आया है इसे हम अम्फान नाम दिया गया है, और इसका अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है, थाईलैंड ने दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन में मिल सकता है इस बार में कि भारत में आने वाले अभी आया जो चक्रवात था उसका क्या नाम था, तो आप बताएं कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि हरिकेन को हरिकेन वेस्ट इंडीज में, चाहे हरिकेन को वेस्ट इंडीज में क्या कहते हैं, या कि हरिकेन चक्रवात कहाँ आया था, तो आपको ऑप्शन में रहेगा वेस्ट इंडीज कर सकते हैं, या टाइफून कहाँ आता है तो आप बता देंगे चीन सागर, या जापान के भी आसपास ही आता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। विली विली चक्रवात कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा। अब जैसे ये आया अम्फान, तो पूछेगा अम्फान चक्रवात कहाँ आएगा,
तो कहां था? भारत में। या ये पूछ सकता है कि अम्फान का नाम किस देश ने रखा था, तो आप बता देंगे थाईलैंड ने रखा था। ठीक है, तो बाकी भारत में आए हुदहुद, फोनी से पहले भारत में हुदहुद, फोनी, ओखी, यरवदा, और ठीक है ये चक्रवात भारत में आए हुए हैं जो काफी चर्चित हैं, तो इनके नाम पूछ सकता है। ऐसे ही पूछेगा फोनी कहाँ चक्रवात था, या हुदहुद कहाँ पर था, हुदहुद किस जगह चक्रवात का नाम है, या यरवदा, तो ये आप बता सकते हैं भारत में। ठीक है, चलिए तो ये रहे कुछ चक्रवातों के नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बस याद रखेंगे तो आप आसानी से इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता और आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जगह के नाम से ही पूछते हैं कि ये कहां पे आता है, ये चक्रवात कहां पे आता है, ये कहां पे आता है। ठीक है, और भारत से ज्यादातर वही पूछता है जो रिसेंटली आया रहता है, उसी को पूछा जाता है। अब आइए चक्रवात में एक चीज और हम देखेंगे, चक्रवात और एक इसके अलावा चक्रवात एक और होता है, वो होता है प्रति चक्रवात। चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात, इन दोनों में एक डिफरेंट होता है। चक्रवात आता है तो खूब मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है, तूफान आते हैं, काफी तहस नहस करता है, लेकिन प्रति चक्रवात की स्थिति में क्या होता है कि मौसम बिल्कुल साफ होता है, यह मौसम को साफ कर देता है और इसके थ्रू कोई नुकसान कोई हानि नहीं होती। ठीक है, यही होता है हमारा प्रति चक्रवात। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पॉइंट रहा, ठीक है, चक्रवात का, और ये रहा आपका प्रति चक्रवात का। ठीक है, अब एक चीज तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कब ये पूछेगा आपसे कि जब प्रति चक्रवात आता है, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पूछ देगा या दक्षिणी पूछ देगा, कि पूछ दिया कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो देखो अब चक्रवात में क्या होता है, कोरियालिस बल जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत ऐसे चलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो घड़ी की सुई के अनुकूल चलता है, मतलब क्लॉकवाइज चलता है। लेकिन जब प्रति चक्रवात की स्थिति होती है तो उसमें सेम उल्टा हो जाता है, और जो कोरिवालिस बल के कारण जो प्रति चक्रवात की जो गति होती है वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, घड़ी के दिशा के अनुकूल होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के दिशा के विपरीत होती है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, यही एक पॉइंट पूछेगा, जब चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो चक्रवात की जो गति होती है उत्तरी गोलार्ध में वो किस दिशा में होती है, तो आप पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में तो आप बताएंगे घड़ी सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिण में पूछेगा तो घड़ी की दिशा के अनुकूल क्लॉकवाइज होती है। लेकिन जब प्रति चक्रवात आता है तब गति क्या होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में पूछता है तो वो घड़ी की दिशा के अनुकूल होगा, और दक्षिणी पूछेगा तो घड़ी की दिशा के विपरीत होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये चीज से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और इसमें कॉमन डिफरेंट है कि चक्रवात जस्ट उल्टा प्रति चक्रवात होता है। ठीक है, तो यही रहा इसका मेन पॉइंट, और मैंने बता दिया कि चक्रवात की उत्पत्ति के लिए 27 डिग्री से ज्यादा तापमान होना चाहिए, क्योंकि जब तापमान ज्यादा रहेगा तभी क्या होता है निम्न वायु दाब क्षेत्र की उत्पत्ति होगी, और तभी वहां पे उच्च वायु दाब की पवने आएंगी और उसके चक्कर लगाएंगे, और वहीं से क्या होगा आपका चक्रवात बनेगा और उसी से वर्षा होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका चक्रवात चैप्टर, यही इसकी बेसिक चीज थी। ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इसे बहुत ही अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुँचाइए, और एक बेहतरीन जानकारी जो चक्रवात से रिलेटेड अभी हाल में चर्चा में वो लोगों को पता चले, उसके बारे में जानकारी मिले। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।